आज के इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमिटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं न कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों को का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं, और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके। और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए, तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़े। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।